नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान फायरमैन और फायर ऑफिसर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में वो ये है कि ताप एक प्रकार की है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी तीव्रता और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमें क्लिक करना है कि ताप एक प्रकार की क्या होती है। तो राइट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ताप एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ताप एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थ के परमाणुओं में काइनेटिक मोमेंट पैदा करने का काम करती है। अगर बात करें ताप को मापा किसमें जाता है तो कैलोरी और बीटीयू, कैलोरी और दूसरा जो आता है अपने पास में क्या होगा, बीटीयू। कैलोरी की अगर बात करें कि कैलोरी किसे कहते हैं तो दोस्तों कैलोरी होता है एक ग्राम पानी का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कैलोरी कहा जाता है। बात करें बीटीयू के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करें कि बीटीयू किसे कहा जाता है, एक पॉन्ड पानी का टेम्परेचर एक फारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को क्या कहा जाता है, बीटीयू के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि एक बीटीयू के अंदर कितने कैलोरी होते हैं तो 252 कैलोरी होते हैं, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि तापमान मापने का जो यंत्र है उसके अंदर क्या भरा होता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी ए प्लस बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। टेम्परेचर मापने का जो यंत्र है उसमें क्या भरा होता है, तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या क्या भरा होता है उसमें, अल्कोहल और पारा दोनों भरा होता है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि टेम्परेचर मापने का जो यंत्र है वो क्या होता है तो वो होता है थर्मामीटर, थर्मामीटर नामक जो यंत्र होता है उसके माध्यम से टेम्परेचर को मापा जाता है। इसके खोजकर्ता की बात करें सबसे पहले खोज की थी गैलीलियो गैली ने इसकी खोज की थी। अगर बात करें बंद थर्मामीटर के बारे में तो बंद जो थर्मामीटर की खोज की थी ग्रेट ड्यूक ऑफ टस्कनी ने इसकी खोज करी थी। इस थर्मामीटर में अल्कोहल और पारा भरा होता है। इसे पारे को अगर बात करें तो मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मरकरी का अयस्क सिनेबार होता है, क्या होता है सिनेबार। पारा -39 डिग्री टेम्परेचर के अंदर क्या हो जाता है, जम जाता है और 357 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें अल्कोहल के बारे में तो अल्कोहल -115 डिग्री टेम्परेचर पे जम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आग का एनएपी जो कोड है वो कितना होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन नंबर डी है 20। आग का एनएपी कोड कितना होता है तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कितना होता है, 1। आग का एनएपी कोड 1 होता है। एनएपी की बात करें तो फुल फॉर्म नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सुरक्षा संगठन। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1896 में, पहले सीओ की अगर बात करें तो जिम पाउली इसके पहले क्या थे, सीओ थे। तो आग का जो एनएपी कोड है वो कितना होता है, 1 होता है। आग के विस्फोट और उसकी जांच का एनएपी की अगर बात करें तो कितना होता है, 921 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। सबसे तेज जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस विधि से होता है। सबसे तेज के बारे में पूछा, ऑप्शन ए चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण और चौथा है उपरोक्त सभी। सर्वाधिक सबसे तेज हीट का ट्रांसफर किस विधि से होता है तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि के माध्यम से
सबसे तेज हिट का ट्रांसफर होता है। दोस्तों हिट के ट्रांसफर की जो विधियां हैं वो तीन होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण। सबसे तेज के बारे में पूछा तो कौन सी हो जाती है, विकिरण विधि सबसे तेज हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें चालन के बारे में तो लगभग 70 से 80% तक देखने को मिल जाएगी, संवहन लगभग 12% है, और रेडिएशन विकिरण जो विधि होती है कितनी, लगभग 8% देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, छान भर की जो आग होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए फायर पॉइंट, ऑप्शन बी HRR और ऑप्शन नंबर डी अपने पास में फ्लैश पॉइंट, सी फ्लैश पॉइंट और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो क्षण भर की आग, कुछ समय की जो आग होती है उसे क्या कहा जाता है, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों कुछ क्षण भर की जो आग होती है वो क्या कहलाती है, फ्लैश पॉइंट कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर बात करें फ्लैश पॉइंट के बारे में, वह कम से कम टेम्परेचर है, तापमान जिसपे ज्वलनशील वस्तु को इतनी कम मात्रा में वेपर छोड़े कि कोई बाहरी इग्निशन सोर्स मिले उसमें एक बार आग लगे और उसके बाद में स्वतः ही बुझ जाए, तो वो क्या कहलाता है, फ्लैश पॉइंट। और कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फायर पॉइंट। अगर पूछ ले कि फ्लैश पॉइंट से अगली स्टेज कौन सी होती है, तो उस दौरान क्या राइट आंसर होगा अपना, फायर पॉइंट। HRR की प्रूफ होती है हीट रिलीज रेट, हीट रिलीज रेट, कोई भी पदार्थ जलने के बाद में कितनी ऊष्मा छोड़ रहा है वो क्या कहलाता है, हीट रिलीज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 ग्राम ठोस बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, ऑप्शन ए 50 कैलोरी, ऑप्शन बी 80 कैलोरी, ऑप्शन सी 100 कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है 90 कैलोरी। तो 1 ग्राम ठोस बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, तो दोस्तों राइट जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना होता है, 80 कैलोरी होता है। कितना, 80 कैलोरी 1 ग्राम ठोस बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अगर बात करें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, तो 1 ग्राम जो ठोस बर्फ होती है उसको समान टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था के अंदर तरल अवस्था में बदलने के जो लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं, और 1 ग्राम ठोस बर्फ को तरल अवस्था में लिक्विड अवस्था में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 1 ग्राम ठोस बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, ऑप्शन ए 540 कैलोरी, बी 600 कैलोरी, सी 700 कैलोरी और ऑप्शन नंबर डी है 900 कैलोरी। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से राइट आंसर टिक करना है, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कितना होता है, 540 कैलोरी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 ग्राम ठोस बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो 1 ग्राम जो ठोस बर्फ होती है उसको समान टेम्परेचर के ऊपर वेपर में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है, और 1 ग्राम जो ठोस बर्फ होगी उसको वेपर में वेपराइजेशन में बदलने के लिए कितनी, 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आग के कितने स्तर होते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन नंबर डी है 4, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो आग के जो स्तर है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमें आंसर को टिक करना है। तो दोस्तों राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4। अगर 4 की बात करें तो सबसे पहले शुरू आती स्तर, दूसरा जो आता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, तीसरे की बात करें तो वो आ जाता है ज्वलन स्तर, और चौथा जो आता है उसमें है या फिर गर्म स्तर। कौन सा, उसमें या गर्म स्तर। सबसे पहले शुरुआती स्तर की बात करें तो इनको इनसेपेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, ज्वाला रहित ज्वलन स्तर की बात करें तो स्मोल्डरिंग फायर के नाम से जानते हैं, और ज्वलन स्तर की अगर बात करें तो फ्लेम स्टेज कहा जाता है। उसमें या गर्म स्तर को अनकंट्रोल स्टेज ऑफ फायर के नाम से हम जानते हैं। तो आपके कितने स्टेज होती है, 4 होती हैं, शुरुआती स्तर ज्वाला रहित ज्वलन स्तर उसमें या गर्म स्तर, इंसेंपेंट स्टेज, स्मोल्डरिंग फायर, फ्लेम स्टेज और अनकंट्रोल फायर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो ज्योति जो फ्लक्स है उसका मात्रक क्या होता है, इन चार ऑप्शन में से आंसर राइट करना है। तो दोस्तों राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं,
आग के जो खुराक है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन को, ऑप्शन बी ईंधन को, ऑप्शन सी टेम्परेचर ताप को, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। तो आग की जो खुराक है वो किसे मानी जाती है? ये चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमें पता करना होगा। तो दोस्तों राइट जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आग की खुराक किसे माना जाता है? ईंधन को। ईंधन को आग की खुराक के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर ले आपको लगने के लिए कितने एलिमेंटों की आवश्यकता पड़ती है तीन की, सबसे पहले आता है अपने पास में टेम्परेचर, उसके बाद में ईंधन, ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट जो होते हैं इनका केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो उस दौरान किसकी उत्पत्ति होती है? आग की उत्पत्ति होती है। आपको लगने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? तीन की, एक ऑक्सीजन, दूसरा ईंधन और तीसरा कौन सा हो जाता है? टेम्परेचर, तापमान। दोस्तों ऑक्सीजन, ईंधन और टेम्परेचर जब इनको पर्याप्त मात्रा में केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान आपकी उत्पत्ति होती है। अगर बात करें फ्यूल के बारे में तो एक जलने योग्य पदार्थ होता है। जलने योग्य क्या होता है? पदार्थ होता है। टेम्परेचर की बात करें तो ईंधन को जलाने के लिए उचित तापमान। ऑक्सीजन की बात करें तो एक दहन सहायक गैस होती है, दहन सहायक गैस होती है। ईंधन को आग की खुराक के नाम से भी जानते हैं। एक पौंड ईंधन को जलाने के लिए कितनी? 10 पौंड एयर हवा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 10 पौंड हवा की आवश्यकता पड़ती है। ईंधन की बात कर ले कि ईंधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। सबसे पहले एक जो आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता अपने पास में भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार हैं, पहला प्राकृतिक ईंधन और दूसरा होता है मानव निर्मित ईंधन। प्राकृतिक ईंधन वो होता है जो प्रकृति में जिस अवस्था में पाया जाता है उसी अवस्था में हम जलाने का काम करते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला। मानव निर्मित ईंधन वो ईंधन जो हम खुद तैयार करते हैं, वो मानव निर्मित ईंधन जैसे कोल गैस है, और भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। दूसरा भौतिक अवस्थाएं, सबसे पहले अवस्थाओं की बात करें तो ठोस ईंधन, दूसरा द्रव्य और तीसरा हो जाता है गैस। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार इसके होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के समक्ष आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।